हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है यार। भाई इस चैनल पे भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें आप लगभग 800 सब्सक्राइबर और बचे हैं, 800 की फैमिली और कर दीजिए, जल्दी से इसको 40,000 कंप्लीट करवा दीजिए तो भाई मेरे लिए एक गिफ्ट हो जाएगा। तो भाई जल्दी से 40,000 इस चैनल को भी सब्सक्राइब करवा दो। और आपको बताना चाहूँगा, पूरे यूट्यूब में आपके भाई ने सबसे पहले आप लोगों के लिए 200 ड्यूक का वीडियो लेकर आया था, E20 वेरिएंट का, जो कि आज सुबह आप लोगों को एक राइड रिव्यू वाली वीडियो मिली थी। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक ऑरेंज कलर दिखा रहा हूँ। ये ऑरेंज कलर भी जो है मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये भी E20 के साथ में आ चुकी है। यहाँ पे आपको E20 की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों ये वाला कलर ऑप्शन आपको दिखाने वाला हूँ, प्राइस के बारे में भी बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए फिर दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं KTM ड्यूक 200 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, KTM ड्यूक 200 जो है ये आप लोगों को एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 1,92,000 रुपीज़ के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस मिलती है। आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये मैं वो प्राइस बता रहा हूँ जो कि KTM की वेबसाइट में दिखाता है। उसके बाद हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में जाने के बाद प्राइस थोड़ा बदल जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑन रोड प्राइस के बारे में बात कर लें तो ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 2,27,000 के आसपास की जो है आपको ये ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है हमारे स्टेट एंड सिटी में। बाकी आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या प्राइस है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं इसके रिव्यू में। तो सबसे पहले बात करेंगे लाइट में आपको बाइक में जो DRL लाइट है वो तो आपको इसमें LED देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। ये रात में जब आप देखेंगे ना तो बहुत प्यारी लगती है। लेकिन यार एक चीज़ है कि जो मेन लाइट है वो आपको इसमें हेलोजन देखने को मिलता है। ऑन करके दिखाता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट देखने को मिल रही है। तो यार ये मुझे थोड़ा सा ना माइनस पॉइंट लगता है कि भाई 200 सेगमेंट की बाइक है और जितना हम इसके लिए पैसे पे कर रहे हैं उसके हिसाब से ना इस बाइक में आप KTM वालों को LED दे देना चाहिए। यार मेरे हिसाब से अब इसमें LED दे देना चाहिए तो ये और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो LED लाइट कंपनी को देना चाहिए। हाँ, टर्न सिग्नल लाइट ज़रूर इसमें आपको LED देखने को मिल जाती है। बात कर लें इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में आपको WP के जो USD फॉक्स सस्पेंशन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, WP की USD फॉक्स सस्पेंशन है, काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी जो बेहतरीन सस्पेंशन है वो आपको इस बाइक में मिलते हैं। बात करें टायर साइज़ के बारे में तो फ्रंट में आपको बाइक में 110/70 की जो टायर साइज़ है वो आपको बाइक में मिलेगी। अब आ जाते हैं ब्रेकिंग में। ब्रेकिंग में दोस्तों इस बाइक में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, डुअल चैनल ABS है बाइक में। और प्लेट साइज़ के बारे में बात करें तो प्लेट साइज़ जो है वो 300 mm की जो प्लेट है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है प्लेट भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के इंजन में। ड्यूक 200 में इंजन टाइप में आपको बताना चाहूँगा 199.5 cc का लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक DOAC 4-वॉल्व लिक्विड कूल जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस बाइक में आपको क्या मिलता है, DOAC यानी कि डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, ये इंडियन मार्केट की 200 सेगमेंट की एक लौती ऐसी बाइक है जिसमें आपको DOAC इंजन मिलता है, वरना कोई ऐसी बाइक नहीं है जिसमें आपको DOAC इंजन मिले, तो ये इसका एक खास बात है। पावर में दोस्तों ये मैक्सिमम पावर में 25 PS के आसपास की पावर जनरेट करती है एंड 19.2 के आसपास का जो इंटरमीडिएट टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। मतलब पावर एंड जो टॉर्क है वो भी इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। कूलिंग सिस्टम में बाइक में लिक्विड कूल इंजन मिलता है, देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा सा जो रेडिएटर है वो कंपनी ने यूज़ किया है। बाइक में आपको 6 गियर देखने को मिलता है। ये बाइक जो है OBD2 सेंसर वाली भी है, जिससे मैंने आपको बताया E20 सेंसर है तो ये OBD2 वाली भी हो गई। प्लस आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस बाइक में आपको जो है वेट मल्टीप्लेट क्लच देखने को मिलते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से कंपनी को इसमें स्लीपर क्लच दे देना चाहिए तो ये और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये था इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। बात कर लेते हैं इसके माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। माइलेज में दोस्तों ये बाइक आपको अराउंड 35 के आसपास का जो माइलेज है इजिली निकाल कर दे देती है। जी हाँ, 35 के आसपास का जो माइलेज इजिली आपको ये निकाल कर दे देगी। 0 to 100 में इस बाइक को लगभग मेरे हिसाब से 9.2 सेकेंड लगते हैं। टॉप स्पीड अराउंड 140 km/h के आसपास की टॉप स्पीड मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं रियर की तरफ।
सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं इस बाइक में आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, विच इज वेरी गुड। एक बार मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी दे देता हूँ, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है। यार पता नहीं क्यों एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब से E20 फ्यूल आया ना मैं तो बाइक थोड़ी लाउड लगने लगी है, पता नहीं क्यों, ठीक है। उसके बाद रियर में आपको WP के मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे। रियर में बाइक में 230 mm की डिस्क प्लेट मिलती है। रियर में बाइक में आपको 150/60 के जो टायर साइज है वो आपको रियर में मिलेगा। रियर में टेल लाइट में बाइक में आपको LED टेल लाइट देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। रियर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी आपको एक बल्ब मिलता है, नंबर प्लेट की लाइट के लिए दिया जाता है इसको, ठीक है, ताकि विजिबल रहे। और टर्न सिग्नल लैंप LED मिलेंगे। रियर में आपको बाइक में देख पा रहे हैं दोस्तों स्प्लिट सीट देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी गुड, काफ़ी अच्छी सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अराउंड 13.5 लीटर के आसपास की मिल जाती है। यहाँ पे आपको E20 की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जा रही है। चलिए बात करते हैं स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले आप की देख लीजिए, इस टाइप का की आपको बाइक में मिलेगा। स्पीडोमीटर में दोस्तों बाइक में आप लोगों को फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को टेकोमीटर मिल रहा है, जिसे RPM मीटर भी कहते हैं। ये आपका गियर इंडिकेटर है, ये आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे इन्फो मिल रहा है, ये इंजन टेम्परेचर है, ये क्लॉक, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है। दो स्विच दिए हैं जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो। एक है साइड स्टैंड डाउन, एक्चुअल FC यानी कितना माइलेज दे रही है, एवरेज स्पीड, ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। स्विचेस में दिस इज पास सीज, लो बीम, हाई बीम, टर्न सिग्नल लैंप, हॉर्न, इंजन किल सीट, सेल्फ का सीट आपको बाइक में मिल जाता है, ठीक है। बात कर ले इसकी सीट हाइट के बारे में, तो इसकी जो सीट हाइट है वो लगभग 822 mm की है। आपके अराउंड अगर 5.4 है सुपर है तो कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm के आसपास की, एंड बाइक की जो कर बेट अराउंड 159 kg के आसपास का मिल जाता है। श्वेता दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 के E20 फ्यूल का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को KTM की ड्यूक 200 कैसी लगती है। आई थिंक मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट की एक वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, और इस सेगमेंट में इस बाइक का कोई तोड़ नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ड्यूक 200 कैसी लगती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी दोस्तों आपको और भी कुछ बातें बता दूँ KTM के बारे में। सबसे पहले तो एक बात कहूँगा कि बाइक कभी भी छपरी नहीं होती, इसे चलाने वाले हमेशा छपरी होते हैं। बाकी आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि इस सेगमेंट में ड्यूक 200 का कोई तोड़ नहीं है। 200 सेगमेंट में कि वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। भले प्राइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, हालांकि ठीक है, NS 200 थोड़ी सस्ती है, और आपको पता ही है KTM को तो बजाज खुद ऑन करता है इंडियन मार्केट में, बट फिर भी मुझे लगता है थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। अगर थोड़ा प्राइस के हिसाब से और थोड़े अपडेट इस बाइक में हो सकते हैं। बाकी नए नए जो अपडेट है वो भी आपको बहुत जल्द मिल सकते हैं KTM ड्यूक 200 में। सो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।